अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कैसे हो तमाम दोस्त माशाल्लाह ये दूसरी वीडियो में अपलोड कर रहा हो आप लोग के लिए बेहतरीन गुड न्यूज़ है जी जी वैसे गुड न्यूज़ है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते वो वाली गुड न्यूज़ नहीं है जो हम आप लोगों को कहते हैं कि ये हो गया वो हो गया नहीं ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है हमारी कंपनी के लिए गुड न्यूज़ है सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो आदम साहब साढ़े दस बजे माशाल्लाह पहुँच गया था नैब की अदालत में आपको पता है दौलतें लग गई ना आज से माशा स्टार्ट हो गई लोग आना जाना शुरू हो गए तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है माशा दूसरी बात यह ना कि अदम भाइया जब जज साहब के सामने चला गया तो बात आ गई थी प्री बारगेनेम की उसने बोला जनाब वह कोई बच्चा नहीं कि प्री बारगेनेम करूँ प्री बारगेनेम मैं क्या रहूँगा तो मैं तो मुजरिम बन जाऊँगा और आपको भी पता है कि भाई प्री बारगेनेम जब हो जाती है तो इंसान मुजरिम बन जाता है ठीक है ना ये तो आप लोगों को पता होगा दूसरी बात यह है ना कि उसने दो महीने ऑलरेडी नेब की कस्टडी में गुजारे कितनी सख्ती से कितनी मुश्किल से कितनी तकलीफों से फिर तीन महीने चौथा महीने तकरीबन स्टार्ट हो गए चार महीने तकरीबन उसने जेल में गुजारे तो अभी प्री बर्गेनिंग का मतलब क्या है कोई फ़ायदा नहीं है क्यों फ़ायदा इसलिए नहीं है कि छः महीने मैं जलील हो गया था मेरी फैमिली जलील हो गई थी मेरे सारे वाल प्रोजेक्ट वाले भाई जलील हो गए, मेरी बहनें जलील हो गई सारी जलील हो गया तो अभी प्री बारगेनिंग का को कोई फ़ायदा है नहीं है ना तो पंद्रह दिन दस दिन और भी हम गुजार लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक बेल नहीं लगेगा समझ आए तो उसने कहा था कि भाई प्री जज के सामने बुला है हाई कोर्ट में जाके मैं दे दूँगा सुप्रीम कोर्ट में जा दे दूँगा आपको क्यों दे दूँ प्री बारगेनिंग के पैसे फ़ायदा नहीं है ना एक इंसान मुजरब बन जाएगा उसके ऊपर वैसे भी तो लगा दिए लोगों ने कि भाई कोई करप्शन हो ये वगैरह किधर है मनी लॉन्ड्रिंग अभी तक कोई साबित हो गया नहीं हुआ ना अभी तक क्या हुआ है नहीं हुआ इन लोगों ने बोला स्टेप बाई स्टेप दिन तीन ती, ती दिन लगातार आ कैलकुलेशन करेगा कैलकुलेशन भी नहीं कर रहे क्यों नहीं कर रहे क्या वजह है उनके पास कुछ है नहीं हाँ अलबत्त जिस लोगों ने नेब की कंप्लेनें दी उसको बोला दस साल इंतज़ार कर लो जनाब आपका पैसा गया बाढ़ में समझ जाए जिसने नैब को किया है उसका पैसे किया बाढ़ में ये तो आपको पता होगा दस साल पंद्रह साल आप लोग इंतज़ार कर लो दस साल पंद्रह साल में पता नहीं आप लोग जिंदा होंगे नहीं होंगे वो तो जो जिन ने कंप्लेंट नहीं किए ये तो आप लोगों को पता होगा ना क्योंकि नेब से पैसा निकालना आसान काम नहीं है बड़े बड़े वकील नहीं निकाल सकते तो हमारे जैसे दो दो तीन हजार का बंदा किस तरह निकालेगा कुछ भी नहीं निकाल सकता सिर्फ अपने लिए जिक्र करो अपनी लिए फिक्र करो दस साल तक ग्यारह साल तक यह आप लोगों के लिए खुशखबरी है जनाब जिसने कोपनी में कोपनी के साथ वफा किया है वो कामयाब हो गया है सौ फीसद वो कामयाब हो गया है क्यों क्योंकि उन लोगों ने कंप्लेन नहीं दिया मैं क्यों नहीं दे सकता था मेरे पास पूरा टीम है हज़ारों बंदे मेरे पास मैं जिस तरह कदम उतार टू उस आते लेकिन मुझे पता है एक चीज़ का मैं दे दूँगा कंप्लें क्या होगा कुछ भी नहीं दस साल इंतज़ार करूँगा कल आदम साहब तो वैसे भी निकल जाएगा परसों निकल जाएगा तरसों निकल जाएगा दस दिन के अंदर निकल जाएगा मैं किस मुँह से जाऊँगा पहला तो मेरा अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा क्यों मैंने कम्प्लेंट दी है मैं तो कॉपनी से ख़त्म हो गया हूँ आल पाकिस्तान प्रोडक्ट से तो मैं ख़त्म हो गया हूँ क्यों क्योंकि मैंने कम्प्लेंट दे दिया मेरी तो हर चीज़ ख़त्म हो गई कोपनी के साथ नेब के पास चला गया नेब का इंतज़ार मैं करूँगा तो आदम तो नेब को पैसे नहीं देते आपको तो पता होगा शुरू से ओके था मैं नेब को पैसे नहीं देते क्यों दे दूँ गैर कानूनी पैसे मैं क्यों दे दूँ दू? किसी को प्री बार्गियन का क्या मतलब है आप लोगों को पता होगा किसी को तो पता नहीं है चलो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिस भाई ने कंप्लन नहीं दिया था कोपनी के साथ चले अदम भाई के साथ चले एक सच्चा इंसान एक सच्चा लीडर है शेर है बबर शेर है तो हमारी दुआएँ पहले तो आपको पता छुटियाँ थी ना छुट्टियों की वजह से बड़ों रुकावट आ गया था आज मेरा ख्याल है अदालत में जगह भी नहीं थी नेप की अदालत में हाई कोर्ट में भी माशाल्लाह टूटियाँ ख़त्म हो गई इन बेल के लिए अप्लाई करेगा ये लोग किया है लेकिन आपको पता है लगना चाहिए ना तो अभी इमरान शफी के साथ भी बात होगी माशा अदम भाई के साथ भी होगी इस तरह मेरे तीन चार दोस्त और भी बरिस्टर भी सबके साथ बात हो गई गप शप लगाए क्या तो माशा आप लोगों का केस बहुत स्ट्रॉग है माशा अभी तक तो कोई साबित नहीं हुआ ना पंद्रह बीस पच्चीस एप्लीकेशन में क्या होता है कुछ भी नहीं होता जब तीस हजार मंदे आपके साथ है तो पंद्रह बीस एप्लीकेशन में कुछ नहीं होता उनका पैसा डूब गया जिसने अप्लिकेशन दिया था उनका पैसा डूब किया हे, 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 हे तेल लेने गया भाई जाना आपका पैसा अभी अभी इंतज़ार करो दस साल मैंने तो बोला है अभी भी वक़्त है सुधर जाओ अभी भी वक़्त है सुधर जाओ आदम भाई के साथ खड़ा हो जाओ तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा इतना तो नहीं अपना हक तो मिल जाएगा ना हक तो वो किसी का कहता नहीं है आदम भाई ने तो बोला मैं हक किसी का कहता नहीं अच्छा मेरी बात सुनो प्री परि हो गई तीस करोड़ तक हमारे पास तो टोल तो चालीस पैंतालीस करोड़ रुपए पड़े या पचास करोड़ लगा था तकरीबन तो मैक्सिमम पचास करोड़ रुपए हमारे पास पड़े जब हम तीस करोड़ उनको दे देंगे बीस करोड़ से बाहर बिजनेस चलाएंगे किस चीज़ के लिए दे देंगे नाजायज़ काम क्यों करें नाजायज़ काम नहीं करना चाहिए समझ आई ना जब उसने इतना होकत हमारे लिए गुजार दिया जेल में तो हम उसके साथ ये पंद्रह बीस दिन और इंतज़ार नहीं कर सकते पहले तो आप वो लोग नहीं करते नेब नहीं नेब के लोग नहीं करते भाई वो कहते हैं कि बस कैलकुलेशन के लिए भी नहीं बैठते हैं तो अभी अल्लाह करे इन आज अजय इमरान शफीक ने भी थोड़ा जोर डाल दिया कि भाई अभी जाऊँगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाँ फिर भी कुछ इतने नहीं किया तो फिर हम जाएंगे सोशल मीडिया पर न्यूज़ पर जाएंगे क्योंकि न्यूज़ पर जाएंगे पूरे पाकिस्तान में चीज़ चलेगी और मेरे सारे जितने भी यूट्यूबर बंदा वीडियो बनाएंगा फेसबुक के लिए भी व्हाट्सएप के लिए भी जगह जगह के लिए कि भाई हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए हम निकलेंगे हम फिर एक कमेटी बनाएंगे उस कमेटी के हिसाब से निकलेंगे अभी तो बेल के लिए अप्लाई करेगा कि ये लोग बैल में कुछ गड़बड़ करेगा तो फिर हम निकलेंगे तो इन मुझे उम्मीद है कि के केस हमारा बहुत स्ट्रॉग है और जीत हमारी होगी मैं जब भी शुरू से कहता हूँ कि जीत हमारी होती है तो इन हमेशा सच की जीत होती है उनके पास कुछ भी नहीं कभी एक तारीख़ दे रहे कभी दूसरा तारीख दे रहे कभी तीसरा तारीख दे रहे हैं कुछ है नहीं सारा गाँव एक है जहाज़ आ که اجازه هم دې ته ته ځو پاکستان مې توګه په پته پښتوغه خبره وای چې پی سي ورکه نو څه د کلا بټره زیاده هم موري دي یەک مطلب هماره پشتو مې نو بس نور ته ځخ په شی نو زموږ ټول پښطاني رورې دي لګون دي انتظار او نور ارس نور کلیر شو ار یو شی کلیر شو د لا پوک منني بس صرف او د یو څه ډوک بوګ شروع کړي دي پیسو ته خبر اڑولې ده او جی پی سی راګنو بارو رینو واش پک میشته جیل تیر کو تاسو د پاره زمونږ د پاره تیر کو کارو د پری بارګین ان کول ورسې کول د بده نه مخ کی پړومبه میش کې بده ګړه دونه دوه سختینې کنټرول کولې نو بہت بہت شکریہ اپ لوگو تھینک یو سو مچ دوه مے یاد رکھو اج تو ادم بھائی نے خود کا جج کو بھائی کی میں نہیں کرتا میں ایک پاکستانی بچہ ہوں صاف سوتره بجو میری کیریل بردار لگا یا اپ لوگو نے और मैं इन शह हिम्मत करके लडूंगा हर तरीके से इंसाफ में अदालत तो से मांगूंगा सुप्रीम कोर्ट से मांगूंगा हाई कोर्ट से मांगूंगा हाई कोर्ट ने नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊंगा इन एक दिन तो इंसाफ आ जाएगी ना तो इस वीडियो में कोई गलती होगी गई कोताही हो गई तो माफ़ कर लो हमारा प्यारा पाकिस्तान जिंदाबाद अल्लाह भी